गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है रक्षाबंधन, सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और ये है हम लोग का सुबह का सरप्राइज़। ये मेरी सबसे छोटी ननंद है और इसके 3 बच्चे, उसने सुबह सुबह आके हम लोग को सरप्राइज़ दिया और फिर सब फटाफट काम निपटाया। सुबह का उनको नाश्ता वगैरह दिया, दाल भिगो दी थी मैंने और मटर छील के रख दिए, क्योंकि आज तो खाना तो स्पेशल बनेगा ही। और दोस्तों, आज मेरी छोटी वाली ननद आई है, 9 साल के बाद हम लोग को सरप्राइज़ दिया है, तो आज तो और ज़्यादा धमाल होगा, एकदम खुशी वाला दिन, मज़ा ही आ जाएगा। अभी खाना बनाना चालू करते हैं, 12 बज गए, लेट हो गए, फटाफट अभी बनाते हैं। खीर बनाएंगे, छोले बनाएंगे, मटर पनीर बनाएंगे, पूरी बनाएंगे और मूंग दाल और चने की दाल का भजिया बनाएंगे। चलो चालू करते हैं बनाना खाना। अब ये दूध रख दिया है खीर के लिए, धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। उस तरफ फटाफट मैं ये कांदा टमाटर सब चॉपर में चॉप कर लूँगी सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि मटर पनीर की सब्जी बनाने हैं तो उसमें थोड़ा बारीक कांदा टमाटर लगता है, इसलिए सब चॉप करके डाल दूँगी और उसमें फटाफट हो जाएगा। तो ये सब्जी बना रही हूँ मैं। और ये ये केसर वाली खीर बना रही हूँ, थोड़ा केसर डालेंगे तो खीर भी अच्छी बनती है और खीर का कलर भी बहुत अच्छा आता है इसमें। और ये अभी मेरी बेटी आ गई है, चने की सब्जी वो बनाएगी, वो बहुत मस्त बनाती है चने की सब्जी, एकदम टेस्टी। वो बोली मम्मा मैं ही बनाऊँगी चने की सब्जी, तो अभी चने की सब्जी वो बनाएगी। मैंने तवा रखा है, थोड़ी मेथी उसको सूखा कर लेती हूँ तो वो इसमें मटर पनीर में डालने को अच्छी रहती है।
और ये आई मेरी जिया, इसको तो काम करे बिना रहा ही नहीं जाता, इसको कुछ ना कुछ चाहिए ही, मदद करने के लिए आ जाती है वो बीच बीच में किचन में। और मैं बैठ के ही आटा गूंथती हूँ, मुझसे खड़े खड़े आटा नहीं गूना जाता है। बाकी काम कर लेती हूँ लेकिन आटा बैठ के अच्छे से गूंथती हूँ, क्योंकि खड़े खड़े नहीं बराबर होता है। और ये है मूंग की दाल और थोड़ी सी चने की दाल डाली है, तो इसको पीस लिया है। अभी भजिया बनाऊंगी, इसमें कांदा मतलब प्याज और सूखा धनिया थोड़ा क्रश करके डालूंगी, और वो ही घर के अपने मसाले और ये हरा धनिया सब डाल के फ्राई करेंगे इनको।
अभी ये मेरी बेटी फ्राई कर रही है पूरी, और उसके बाद थोड़ा सा भजिया फ्राई करेगी, फिर मैं सबके लिए थाली लगाऊंगी। ज़्यादातर फ्राई करने का काम वो ही करती है, क्योंकि मैं नहीं करती, मेरे को प्रॉब्लम होती है ये तेल का काम करने से, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मैं बाकी सब कर लेती हूँ, लेकिन मुझे फ्राई का काम नहीं जमता है। ये बन गई मटर पनीर की सब्जी, और ये खीर, और ये काले चने की सब्जी, और ये है भजिया फ्राई कर रही है गरम गरम, और पूरी भी बन गई है। अभी मैं थाली लगा देती हूँ, और ये मेरी ननंद इधर पूरी बेल रही है नीचे बैठ के, तो हम लोग को भी हेल्प हो गई थोड़ी, कर रहे थे सब मिलके, काम ही किया सब मिलके। हम यहाँ काम भी कर रहे हैं और हमारी मस्ती भी चल रही है, बातें कर रहे हैं ना, अभी बहुत सारी बातें रही। ये है हमारी आज की रक्षाबंधन की स्पेशल थाली, जलेबी बाहर से मंगवाई है, सब घर पे बनाया है। और फिर शाम को मुहूर्त था ना 7-8 बजे के बाद, तभी हम लोगों ने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन किया। अभी मेरी ननंद अपने भाई को राखी बांध रही है, वहाँ जिया बैठी है, वो देख रही है, उसको अच्छा लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है ना, तो वो बैठी है आराम से, अभी इनको राखी बांधेगी, फिर मुझे बांधेगी, फिर बच्चे लोग का चालू होगा, बच्चों को सबको बांधना। अच्छा लग रहा है, आज तो बहुत मज़ा आया, मतलब पूछो मत, इतना अच्छा लगा ना, क्योंकि 9 साल बाद आई है ये, एकदम से आके हम लोग को सरप्राइज़ किया, तो अच्छा लगा। टीवी थोड़ी देर स्टॉप कर दे। भरत को जिया को एक सा कपड़ा हाँ तारा भी धीरे थोड़ा अलग है हाँ सही है चल चालू थोड़ी आगे ना हाथ नहीं जा रहे तो देख लो नहीं है खींचो हाँ नेचुरल फोटो आने चाहिए दिल्ली बंदी
हाँ क्या दिक्कत कर आगे और अरे ना खींच ले ना उठ के हां बटी ना खींच ले आगे ना बोल बेटा पानी से कैसे मैं बैठा हूं अरे कौन कर रहा है अरे बस ना काट दे पापा काट देगा राखी बांध दे बेटा आप मारो तो लेना बांध दिया तेरे पापा का सोना ठीक है ठीक है हां काट यहां पर काट दे ये नंबर लगा अच्छा ये नंबर लगा अठिना होंगे तो नंबर तुम कौन दिखे क्या हो गया ना लेडीज लेडीज आ रहे हो लगा देना लेडीज आ रहे हो लगा दे भाई बहन लेटेस्ट लगाना लगाओ गुजराती कुछ समय बस ना देख बाबू तो फोटो खींच ले हाँ बाबू की लाइट कर कम हो ज्यादा हो क्यों गेस्ट के पास क्या आ रहा है खोली खावा के जबरदस्ती बोल रुक रुक रुक